सीधे देख रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समारोह में। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश। योगेश, अब से 2 घंटे पहले तक भी जो असमंजस की स्थिति थी शिवसेना को लेकर कि वो इस समारोह में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, अब वो दूर हो गई है और उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की खुशी दुगनी हो गई, महाराष्ट्र की जनता की खुशी दुगनी हो गई, या शिवसेना जिस मौके को लगातार कोशिश कर रही थी कि एक तरफ से दोबारा से बुलावा आए तो वो आया और अब वो उसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की बात करें तो वो साधने के लिए अभी जाना जाता है। जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं बातें निपटती है पार्टियां, और इसी का एक नमूना देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखा गया था, चाहे अगर आप सामना की बात करें जो कि माउथपीस से शिवसेना का, या फिर उनके अलग अलग मंत्री अलग अलग नेता हो, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो रामदास कदम हो, जो उन्होंने की बात की थी पिछले कुछ दिनों से, तो बिल्कुल इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि पार्टी किसी भी हाल में ये जो सेरेमनी होगी उसमें शामिल नहीं होगी। कुछ ऐसे भी बयान आए थे जिसमें ये कहा गया था कि अगर कुछ बार्गेनिंग और जिस तरह का दृश्य हमने विधानसभा चुनाव से पहले देखा था उस तरफ भी इशारा किया जा रहा था। लेकिन अब खबर ये है कि अमित शाह से बात हुई है उद्धव ठाकरे की, और उद्धव ठाकरे आने के लिए राजी हो गए हैं। इसके पीछे की क्या वजह है ये स्पष्ट अभी भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि जो शिवसेना है वो एक मानसिक दबाव में है और काफी मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया, चाहे चुनाव से पहले देखा गया कि जिस तरह बीजेपी पूरे शिवसेना के खिलाफ प्रचार नहीं कर रही थी, तो एक तरह से देखें तो एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया था, और वन वे कम्युनिकेशन के ऊपर निश्चित तौर पर एक तरह का दबाव आता है, और उसी दबाव के आगे शिवसेना ने खुद ने इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए। योगेश, अब वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक तरह से जो आंखों देखा हाल होता है वो बताएं, किस तरह की तैयारियां, मंच की सजावट, मंच किस तरह से करे गए हैं। जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, आनंदीबेन पटेल वहां पहुंच चुकी हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया वहां पर मौजूद हैं, यही नहीं पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वो भी दिखाई दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप बताएं किस तरह का माहौल वहां पूरा तैयार है ताशपोशी से पहले का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मंच का जो डेकोरेशन हुआ है, नितिन देसाई जो कि बॉलीवुड के जाने माने मंच और जो बॉलीवुड में जो मूवीज के दौरान जो स्टेज जिसको बोलते हैं, वो जो पूरा फ्रेमिंग होता है उसको डेकोरेट किया जाता है, उसके लिए वो जाने माने नाम है, बहुत प्रख्यात उनका नाम है, उनके जिम्मे पूरा ये दिया गया था मंच। इसलिए मंच की जो खूबसूरती है, मंच की जो व्यवस्था है, काफी अनुपम है यहाँ पे। मंच के अलावे अगर आप बात करें जो गणमान्य लोग आए हुए हैं निश्चित तौर पे, न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि और भी जो लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे निश्चित तौर पे, जो कुछ प्रधानमंत्री आए हुए हैं, तो गणमान्य लोग आप दिखा रहे हैं जिसमें वो है। इसके अलावे मैं आपको बताऊं कि जो पर्दे के पीछे, मसलन अगर आप वानखेड़े स्टेडियम के आसपास की बात करें, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद है। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है ऊपर के एरिया को। 19,000 जो मुंबई पुलिस के फोर्सेज है वो तैनात है, फास्ट एक्शन फोर्स जो है वो तैनात है, पूरे ट्रैफिक जो है, मसलन अगर आप चर्च गेट से लेकर चरनी रोड ले लें तो वहाँ के पूरे ट्रैफिक के ऊपर बिल्कुल जीरो पार्किंग कर दी गई है। जो वैन होती है, जो पुलिस की जो ट्रेन होती है, वैन में अगर कोई पार्किंग है लीगल से, तो वो जिसको कैरी करके नजदीक के थाने पे जो कैल करती है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कुछ और जैसे इंडियन मर्चेंट चैम्बर के पास अगर आप देख लें तो उस रूट में वन वे कर दिया गया है। इसी तरह कुछ ऐसे रूट है जहाँ पे आयकर दिखाते लोग आ जा रहे हैं। तो इसके वानखेड़े स्टेडियम के अंदर का जो विहंगम दृश्य है, इसके अलावा जो बाहर के दृश्य कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र को जो एक उसका काफी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था बांद्रा में जब थे वाजपेयी, उन्होंने 1980 में कहा था कि मैं ये कहने का साहस जुटाता हूँ कि एक बार समुद्र तट से अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ। और इसके अलावा मैं एक और दिलचस्प बात आपको बताना यहाँ पे चाहूंगा कि सांकेतिक रूप से महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी इसने सांकेतिक रूप से कुछ कमल खिलाए हैं। ये जो नरिमन पॉइंट का जो एरिया है जहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे का जो एरिया है, वहाँ पे नाव पे जो नौकाएं बैठती है उस पर बड़े बड़े कमल खिलाए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पे अभी शपथ होगा आप देखेंगे वहाँ पे भी दिखेगा, तो इन्होंने कुछ वैसी भी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर कहें तो अद्वितीय व्यवस्था यहाँ पे की गई है। रिपोर्ट योगेश, हम आपसे और आगे बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले हम रुक करेंगे, एक बार देखेंगे देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक
करियर कैसा रहा है, क्या क्या रहा है उनकी पूरी राजनीति में आज तक?